कोरोना से पस्त इकोनॉमी को एक और बूस्टर देने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को एक बार फिर मीडिया के सामने आए। कोरोना काल में नौकरी जाने और सैलरी कटौती के डर के बीच आरबीआई ने एक बार फिर लोन बांटने पर ज्यादा जोर दिया है। आइए जानते हैं आरबीआई गवर्नर के बड़े ऐलान और इसके असर के बारे में। ईएमआई पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट, लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। दरअसल आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई के नए ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। मतलब ये कि आप कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो बैंकों की ओर से कोई दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नज़र में आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। सस्ता होगा लोन और ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। दरअसल रेपो रेट कम होने के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालात में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं, तो वहीं अगर ईएमआई दे रहे हैं तो उसमें भी बचत होगी। बता दें कि लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। दूसरी छमाही में घटेगी महंगाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मुद्रा फीसदी का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है और दालों की बड़ी कीमतें चिंता का विषय है। साल की दूसरी छमाही में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। नेगेटिव रहेगी जीडीपी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई और कहा कि वित्त वर्ष 2021 में गिरावट आएगी और यह नेगेटिव रह सकता है। आरबीआई की आशंका अगर सच में बदलती है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। राजस्व बहुत अधिक प्रभावित। शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से सरकार का राजस्व बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। हालांकि 2020-2021 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $9.2 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी $487 बिलियन का है। यह राजकोष के लिहाज से अच्छी खबर है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।